शहर का नाम है पासीघाट और ये जो जगह आपको नजारा दिखाई दे रहा है इस नज़ारे का नाम है रानाघाट। अभी मैं जोर से हटता हूँ। सबसे अच्छा बात क्या था बताए इस जर्नी का, ट्रेन जो है 2 मिनट पहले पहुंच गया। मुरकोंग सिलेक एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, इंडिया का मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में जाना है तो आपको जो है ये स्टेशन ज़रूर आना है। सो इंडिया का जो है लास्ट रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। नई सुबह और एक नया दिन, आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन लाइक नेवर बिफोर। भाई साहब यहाँ से जो है मेरा 30 डेज का अरुणाचल का सीरीज जो है यहाँ से होता है शुरू। आज है 3rd of January 2023 और यहाँ से शुरू होता है मेरा अरुणाचल का जर्नी। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जो है मैं कोशिश करूँगा अरुणाचल के अंदर कंप्लीट अरुणाचल को जो है मैं एक्सप्लोर करूँ। अगर आ ही गए हो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो सुबह का सिर्फ 8 ही बजा है, मैं हूँ फिलहाल रुकसिन में और ये देख लो रुकसिन का मेन स्क्वायर है। बस 10 मीटर आगे आते ही जो है आपको ये घर जो है आपको मिलेगा मेन रोड के साइड पे, जहाँ पे लिखा होता है टेम्प्रेरी इनर लाइन परमिट काउंटर। परमिशन मिल गया है, बेसिकली जो है नॉर्मली टूरिस्ट के लिए जो है 15 डेज का देते हैं, पर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे पूरा जो है जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में मैं जाना चाहता हूँ, 30 डेज के लिए जो है परमिशन दिया है। रुकसिन शहर का थोड़ा बाहर तक जाऊँगा और थोड़ा बाहर जाऊंगा तो लिफ्ट मिल जाएगा। बेसिकली जो रूल जो है ना वो है कि अगर आपको 30 डेज़ के आसपास अगर आपको पास चाहिए अरुणाचल के अंदर रहने के लिए या फिर घूमने के लिए तो आपको लोकल लोगों का एड्रेस चाहिए होता है, पर मैंने कहा कि मैं भाई बहुत दूर से आया और मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ, मुझे 30 दिन का चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 2 फ़ोटो दीजिए और आधार कार्ड दीजिए। हाँ एक चीज़ है कि कोविड सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं मांगा, पिछली बार जब आया था उस टाइम जो है कोविड सर्टिफिकेट मांगा था इन्होंने। अब पिछली बार जब आया था 50 रुपीज़ था और इस बार जो है 60 रुपीज़ चार्ज किया है। पासीघाट जाओगे? नहीं नहीं, कहाँ तक? ठीक है ये लगा पासीघाट जाएंगे भाई, मज़ा सुबह सुबह बड़ा मज़ा आ जाता है। अभी ट्रैक्टर मिल गया था कहीं पर, कई बार एक जगह पर खड़ा रहता हूँ लिफ्ट नहीं मिल रहा होता है तो मैं क्या करता हूँ ना जगह चेंज कर देता हूँ। सो वैसे ही किया हूँ, फिर से जगह चेंज कर दिया, लिफ्ट मिल नहीं रहा था। ट्रक वाले भाई ने तो रोक दिया, पता नहीं क्या बोले कहाँ तक जाएंगे। अभी मैं जोर से हटता हूँ। पासीघाट जाना है, कहाँ तक? फाइनली एक लिफ्ट मिल गया भाई, चलो भाई ठीक है ना, धीरे धीरे चलते हैं। आपका ये बैग हमको दे दो, आगे रख लेंगे। आगे रख दोगे? तो कहाँ से हो भाई आप? मैं तो यहीं से हूँ। यहीं से हो? अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है तो भाई ने जो है सुबह सुबह भाई 50 किलोमीटर लिफ्ट दिया मुझे, 40 किलोमीटर सर, 40 किलोमीटर है ना? 40 किलोमीटर। अच्छा थैंक यू ब्रदर। ठीक है हमें गुड डे आपको भी। इस तरफ जो है आलो जाता है और मुझे जाना है रोइंग की तरफ। रोइंग जो है कुछ यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, आगे आएगा रानाघाट। शहर का नाम है पासीघाट और ये जो जगह आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है इस नज़ारे का नाम है रानाघाट।
सो फिर से मैं पहुंच गया हूँ अरुणाचल के अंदर। अगले 30 दिन के अंदर जो है मैं अरुणाचल के अंदर जो है ट्रैवल करते हुए कोशिश करूँगा होल अरुणाचल को जो है एक्सप्लोर करूँ। सो पासीघाट में पहुंच गया हूँ, लिफ्ट लेके जो है 40 किलोमीटर सुबह सुबह लिफ्ट ले चुका हूँ। यहाँ से चलूँगा दाम्बू की तरफ, दाम्बू कुछ यहाँ से 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। और लिफ्ट लेने के लिए मुझे भाई अभी यार 2 किलोमीटर चल के आगे जाना पड़ेगा इस तरफ। मुझे जिस तरफ जाना है मुझे वहाँ पे पहुँचना है पहले। नीचे जो नदी आपको दिखाई दे रही है इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और जिसको यहाँ के लोकल लोग ना सियांग रिवर कहते हैं। मुझे जाना है राइट, मुझे जाना है दम्बू की तरफ। तो आज कोशिश करूंगा जहां तक पहुंच पाऊंगा, जहां शाम हो जाएगा वहीं पे रुक जाऊंगा।